नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देख सकते हैं, आज हम पहुंचे हुए यादव डेयरी फार्म पर, जो कि है गोसाईगंज लखनऊ में। और देख सकते हैं, हमेशा की तरह आज भी काफ़ी भारी संख्या में यहां पर गाय देखने को मिल रही हैं। और सबसे आगे आप देख सकते हैं एक गाय, काफ़ी बढ़िया अडर में भी ये देखें। तो ब्रिजभान भाई नमस्कार। नमस्कार भैया। तो आज तो काफ़ी बढ़िया गाय पहले जी, आज काफ़ी जो है गाय है फार्म पे, लगभग 16-17 गाय हैं और सभी जो है नई बछिया है। और छोटे किसानों के लिए घर पर रखने के लिए औसत गाय जो है बेहतरीन जो है अपने पास। तो सब अलग ही नस्ल की दिख रही है। हाँ, सभी इसमें मिक्स ब्रीड है, जर्सी है, पुरानी पंजाब वाली है, बड़ी गाय है, क्रॉस ब्रीड है जी। और पहले नंबर पे इसकी डिटेल क्या हुई? पहले नंबर की बछिया है, फर्स्ट टाइम है, अभी दो दांत की पहली बछड़ी है, पहली बछड़ी है दो दांत की। ठीक है। और अभी सुबह ही बच्चे को जन्म दी है। आज ही भी आई है? आज ही भी आई है, बछिया भी आई है। साथ में बछड़ी? साथ में बछड़ी है। ठीक है, फर्स्ट टाइम बछड़ी है। ऑर्डर के मामले में देखिए तो जो है आगे से पीछे से बेहतरीन ऑर्डर है, चारों थनों का गैप बेहतरीन, अलग अलग और चार ही थन, कोई पांचवा थन नहीं इसमें जी। तो दूध की उम्मीद क्या रहेगी इससे? दूध बछिया हमें उम्मीद है कि 15 प्लस जरूर करेगी, 15 के ऊपर ऊपर, 15 किलो से दूध कम नहीं करेगी बछिया। और पीछे से भी देखें तो ये देखें, थन तो बढ़िया, पहले भी आपने निकाला, अच्छा थन निकाला है और अभी एक सप्ताह बाद और अच्छा बनेगी, कोठाएगी। तो इसकी कीमत क्या कुछ रहेगी अगर कोई? इसकी कीमत हम 65,000 रुपये रखें, 65,000 रुपये, 65,000 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। और शांत बढ़िया पहले बयान, एकदम शांत है, कोई दिक्कत नहीं, दूध निकालने में एकदम शांत है। और साथ में देख सकते हैं इसकी बछड़ी, बछड़ी है, बछड़ी भी बढ़िया क्रॉस ब्रीड में है, बछड़ी भी क्रॉस में है। देखिए जो है नाभी है बछिया के, कोई तरह के मौसम है जिस तरह इस समय, हाँ आराम से सबसे बढ़िया बेहतरीन रह सकती है। थन का साइज भी अच्छा है, बिल्कुल कोई बाट छोटा नहीं है। तो आज तो शुक्रवार का दिन है। हाँ आज शुक्रवार है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था कि अब अपने पास जो है सप्ताह के सातों दिन गाय मिलेगी जी। किसी भी दिन शुक्रवार के दिन नहीं बनाया, हाँ अभी तक नहीं आती थी शुक्रवार के दिन, हमारे आपके साथ कोई वीडियो भी नहीं है इधर। और अब शुक्रवार को भी जो है गाड़ी अपने पास शाम को, मतलब ये बृहस्पतिवार की रात को गाड़ी उतर जाया करेगी, मतलब किसी भी दिन कोई जी किसी भी आना चाहे। तो इधर गर्मी ज़्यादा हो रही थी, हाँ अच्छी बछड़ी है, इसमें अभी कुछ दूध नहीं चढ़ा बना हुआ है तो नेचुरल है, जितना भी है बच्चा दी है और बच्चे को पिला के अभी 5-6 लीटर दूध निकाला गया है इसका जी। तो दूसरे नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये बछड़ी है, कौन से ब्यात में ये है अभी? ये जो है पहली बार है, दो दांत की बछड़ी है, हाँ दो दांत की बछड़ी है। बछड़ी की हाइट देखिए जो है, वो उसको तो छुपा ही दिया पीछे वाली, हाँ उसको छुपा दिया क्योंकि इसकी लंबाई भी अच्छी है, हाइट भी अच्छी है। ये भी दो दांत, अभी दो दांत की बछड़ी ये भी है। तो अभी कितना टाइम ले जाएगी अनुमानिक? 10 दिन का समय ले लेगी, 10 से 12 दिन का जी। ये भी बंद तो बढ़िया रही है, अच्छी बन रही है बछड़ी, गैप भी है इसके थन का और दुहान की भी काफ़ी नरम है बछड़ी, बिल्कुल लंबाई है, हाइट है और वजन है काफ़ी, इसमें भी नाभी है, तो नस भी अच्छा बन रही है बछड़ी। ये भी 15 लीटर दूध करेगी आराम, 15 लीटर जी। तो कीमत इसकी क्या कुछ रहेगी? 55,000 रुपये, 55,000 रुपये, 55,000 रुपये में इसको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो अभी ऐसी गाय भी अपने पास आती रहेंगी? हाँ बड़ी गाय, मंगलवार को और भी बड़ी गाय आएंगी और आई भी थी पिछले जो है कुछ वीडियो में हमने इनको दिखाया था, HF भी रहेंगी अपने पास, 20 से प्लस की गाय भी जो है अपने पास रहेंगी। तो ये तीसरे नंबर पे ये ब्याई है, बछड़े को जन्म दिया है, बछड़ा इससे, हाँ पुरानी जर्सी है। तो कब ब्याई है? कल ही बच्चा दी है, तो ताजी ही है सब, बिल्कुल हाँ ताजी है एकदम, अपने पास आती तो सब प्रेग्नेंट ही हैं, बाकी यहाँ पे जो बच्चे कर देती हैं क्योंकि बहुत कम ब्याई गाय हम लाते हैं। तो कौन से ब्यात में होता है ये? इस बार जो है तीसरी बार बच्चा दी है, तीसरी बार अभी जी। तो क्या कुछ दूध का अनुमान रहेगा इसमें? दूध ये देगी जो है 15 प्लस, ये भी देगी, ये दूध इसका निकल गया है, सुबह इसका मिल्किंग हो गया है, बिल्कुल 10 बजे अभी लगभग, हाँ 10 बज रहा है, वीडियो बन रहा है। और जो ऑर्डर है वो देख सकते हैं, चारों थन बढ़िया गैपिंग, टाइम से फिर भराई है और ये शाम तक बहुत बेहतरीन ऑर्डर बना लेगी और सीधी एकदम शांत भी है, कोई भी जो है दूध निकाल ले बैठ के, बिल्कुल बच्चे के लिए, बिल्कुल बच्चे के लिए दौड़ रही है, बच्चा उधर बंधा हुआ है, लंबाई है, कदकाठी अच्छा है, थन बाट बेहतरीन है, सीधी एकदम, कोई भी बैठ के कैसे भी जो है चला। इसके आगे ये तो इधर ये गाभिन चारों,
तो कीमत में एक क्या कुछ रहेगी? कीमत में दो कम 60 की रहेगी, 58,000 रुपये। 58,000 रुपये की, तो आगे ये भी क्रॉस में आता है। हाँ, ये भी क्रॉस में बच रही है। तो ये कौन से दांत में इस बार? अभी 6 दांत में है, दूसरी बार बच्चा देगी जी। कौन सी बार? दूसरी बार बच्चा देगी, अभी कच्ची है, थोड़ा ऑर्डर बहुत अच्छा करेगी। ये देखिए, दूध करेगी जो है 12-13 लीटर दूध को आराम से करेगी, ज़्यादा भी कर सकती है 1 लीटर। और कीमत में क्या कुछ रहेगी? कीमत में ये 46,000 रुपये की रहेगी। 46,000 रुपये। और दूसरे दांत में अभी 6 दांत। 6 दांत में। तो अभी कितना टाइम ले जाएगी अनुमान? ले लेगी, अभी 15 दिन का समय पूरा ले लेगी। 15 दिन आगे जी ले आना भैया। तो ये अलग ही लॉट है कह सकते हैं, क्रॉस का पूरा? हाँ, क्रॉस का एकदम अलग लॉट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको आज जो रेट हम दिखाने वाले हैं, बहुत ही छोटे रेटों में अच्छी गाय दिखाने वाले हैं। तो कितने दूध तक मिलेगी अब अपने पास? 10 लीटर से तो नीचे कोई गाय नहीं है हमारे पास, ऊपर अगर कोई लेना, और ऊपर अगर जो हमारे पास लेना चाहता है तो अपने पास जो है हम 20+ गाय जो है उपलब्ध करा देंगे, 20 लीटर से ऊपर की गाय। वैसे तो नॉर्मल 15 का। अभी मंगलवार को हमारे पास जो है 30 लीटर की भी गाय थी, और हमने सेल भी किया है, 2,05,000 रुपए में जोड़ा सेल किया है, और 50+ लीटर दोनों गाय मिलकर आराम से करेंगी, दोनों का 50 के ऊपर। हाँ, गाय तो किसान ने 60+ लीटर बताया, लेकिन हमने 50+ बता के दिया है। तो उसके आगे ये बछड़ी काफी बढ़िया। ये बछड़ी जो है गिर क्रॉस है, हल्का सा गिरलैंडो में है। अभी तो कितने दांत है ये? अभी दांत में 4 है ये। 4 दांत अभी? 4 दांत है, और पहली बछड़ी है अभी। खुल तो बढ़िया रही है, अच्छी बन रही है, आगे से पीछे तक बढ़िया, मिल्कवेन भी अच्छा बन रहा है। ये देखें जो आगे के स्थानों में गैप है वो भी बढ़िया। अभी तो जैसे जैसे टाइम, हाइट दार बछड़ी है, लंबाई भी अच्छी है बछड़ी में, और काले थन की है। बिल्कुल। दूध का अनुमान क्या रहेगा इसमें? दूध का अनुमान 13-14 किलो बछड़ी निकलेगी। और कीमत इसकी? मात्र 45,000। 45,000 रुपये। तो देख सकते हैं साफ सुथरा बढ़िया। तो कोई पांचवे थन वाली तो आज दिखनी? कोई पांचवे थन की नहीं, नीचे से सभी सभी साफ बछड़ियाँ हैं। बिल्कुल, ये देखिए बछड़ी अच्छा बनेगी, बछड़ी 20 दिन खाएगी तो 55 वाली तैयार होगी। तो इसके आगे एक जर्सी में दिख रही, थोड़ा छोटी है लेकिन बहुत ही रॉकेट गाय है, छोटे साइज में बढ़िया दूध करेगी, वो भी 12-13 लीटर। हाँ, बिल्कुल काली है जी। और इस नस्ल की गाय बहुत मजबूत निकलती है। और ब्यात में कौन सा है? ब्यात में दूसरा है, दूसरा ब्यात अभी जी। ये देखिए लंबाई बहुत है, बिल्कुल जर्सी में है, तो सभी बढ़िया शाइन में, अगर चमकती है, लाइटदार गाय है। ये देखिए ऑर्डर बहुत अच्छा बनाएगी, समय ले लेगी, अभी 10-12 दिन का समय लेगी पूरा, अभी 10-12 दिन लगभग जी। और दूध की उम्मीद जो बताई, दूध करेगी 12-13 लीटर खूब आराम से करेगी। गाय वाले 14 लीटर बता रहा था, लेकिन हम 1-2 लीटर कम बताए और ज़्यादा दे दे तो वो बेहतरीन है। तो कीमत इसकी क्या कुछ रहेगी? कीमत इसकी मात्र 40,000 रुपये। 40,000 रुपये में। तो अभी तक तो सबसे कम रेट में यही आई है, इससे भी कम रेट अभी देखने, अभी आगे इससे कम भी मिलेंगे जी। ठीक है, तो 40,000 रुपये इसकी जो कीमत, और लगभग 12 लीटर दूध कर देगी। बढ़िया, अच्छी गाय है, नस्लदार गाय है, और बारिश के महीने में इनको जो है बेहतरीन जो है रहन सहन इनका बहुत अच्छा रहेगा। अपने जो छोटे पशुपालक हैं उनके लिए बेहतरीन लॉट आज का है। बिल्कुल, घर पर रखने के हिसाब से दूध, घर पर रखने के लिए उनका जो है खाने पीने के लिए भी हो जाएगा, और अपना इससे दूध बेच भी सकते हैं। और इधर का लॉट है जो देख सकते हैं, सभी गाय एक ही तरह, और उधर वो अभी आपको दिखाई दे रही है, बछी आ रही है दांत में है, ये भी अभी पहले ही बछड़ी। हाँ, पहला बछड़ी है, अभी दो दांत की बछड़ी है। तो ये कितना टाइम लेगी? अभी ये लगभग 15 दिन का समय बछड़ी ले लेगी, 15 दिन ले लेगी। ये भी बछड़ी अच्छी है, लंबाई अच्छी है, बिल्कुल खुलने लगी, और चारों थन की है, चार ही थन, पांचवा थन कोई नहीं है। तो दूध का अनुमान इसमें क्या रहेगा? दूध ये भी करेगी 12-13 लीटर। 12-13 लीटर से दूध तो कम नहीं करेगी बछड़ी, क्योंकि नस्ल की है जी, और उसके बाद थन आगे से अच्छा बन रहा है, बिल्कुल क्रॉस में है, लंबाई अच्छी है बछिया में। तो कीमत क्या कुछ रहेगी इसकी? कीमत इसकी मात्र 42,000 रुपये। 42,000 रुपये, ठीक है। तो ये दोनों जो आई लगभग? हाँ, दोनों जो है रेट में ठीक है। हाइट दार बछड़ी है, बिल्कुल ले चलना, क्योंकि इधर अपने पास मंगलवार को ही लॉट रहता था, बीच में सभी हमारे पशुपालक भाइयों की मांग भी थी कि यादव जी अन्य दिन भी गाय रखिए, इसीलिए हमने जो है गाय रखी, सभी कच्ची गाय रखी, कि आराम से मंगलवार तक ये भर भी अच्छा आएंगी,
और बीच में अगर जो हमारे कोई पशुपालक भाई चाहते हैं कोई तो उनको आराम से गाय भी बराबर परमानेंट मिलती रहेगी। इधर का लॉट है वो भी देख सकते हैं, काफी बढ़िया सभी गाय, और देख सकते हैं जिस तरह की गाय आप लेना चाहें हर तरह की गाय इस समय यहाँ पर उपलब्ध है। तो गिर की क्या अपडेट है इस समय? गिर भी आज अपने पास आ रही है। अच्छा, आज से हमने शुरुआत कर दी है, दो गाय अभी जो है हमारी आ रही हैं गुजरात से, अच्छी बछड़ियाँ आ रही हैं दो है। और आगे से बराबर जो है अब गिर आती रहेंगी, अगर जैसे हमारे किसान पशुपालक भाई मांग करते हैं वैसे हम अच्छी गाय जो उपलब्ध कराते रहेंगे। बछड़ियाँ गिर की बछड़ियाँ तो अभी बीच में नहीं लाएंगे क्योंकि बारिश है और उसमें थोड़ा ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है जी। और जब हमने HF और क्रॉसब्रीड बढ़ा दिया है बिल्कुल तो फिर थोड़ा कुछ ना कुछ तो कम करना पड़ेगा ना गिर का काम। तो आगे इधर से शुरू करेंगे जी। ये भी गाय लंबाई में बढ़िया, ये देखें तो ब्यात में कौन सा है? ये तीनों एक नस्लें हैं, पंजाब वाली जर्सी हैं तीनों जर्सी की। और अच्छी गाय हैं, कद काठी तो इनका छोटा होता है, जैसे वो काली गाय मैंने दिखाई अभी 40,000 इसका बताया, बिल्कुल वैसे ही जो है क्वालिटी की ये भी गाय है। तो ब्यात में कौन सा है इस बार? ब्यात में इस बार जो है ये दूसरी या तीसरी बार बच्चा देगी, लेकिन नस्ल क्वालिटी से बहुत अच्छी है। तो अभी कितना टाइम ले जाएगी अनुमान? बच्चा करने में लगभग 15 दिन का समय पूरा ले लेगी। 15 दिन जी। और दूध की उम्मीद क्या रहेगी? दूध करेगी 12-13 लीटर, 12 थान अच्छा पाए है, नस्ल क्वालिटी है बिल्कुल मजबूत बनेगी, एक अधिकतर बनती है बिल्कुल, और ये बनेगी भी अच्छा बनेगी। तो कीमत में क्या कुछ रहेगी? कीमत की बात करें तो इसको जो है 42,000 रुपये में उपलब्ध करा देंगे। 42,000 रुपये, ठीक है। आज का जो रेट रेशियो रहेगा लगभग ऐसे ही मिलता जुलता रहेगा, 40-42 के हिसाब से कोई लेना चाहे अगर आराम से जो है उसको। और दूध का भी लगभग 12-13 लीटर? हाँ 12-13 लीटर जो है। ये देखिए कोई इसमें से प्योर साहिवाल तो लगभग बहुत कम है, सब क्रॉस में, और क्रॉस में इनकी क्षमता है आराम से ये दे सकती हैं। क्रॉस में कोई 12-13 के हिसाब की लेना चाहे आराम से मिल जाएंगी, क्योंकि देखिए कई बार देखा भी है कि ऑर्डर जड़ थन अगर जो अच्छा है गायों में तो कद उनका छोटा भी है तो आराम से दूध कर देती हैं, और सभी जो है जड़थन की अच्छी गाय हैं। तो ये कौन से ब्यात में है ये वाली? ये दूसरी बार बच्चा देगी। ये भी दूसरी जी। और ये भी कितना टाइम लेगी बच्चा करने में? लगभग जो है ये 8 दिन का समय लेगी अभी, लेकिन बहुत ही गहरी है गाय बिल्कुल काठी से, शांत सभी हैं, लेकिन ये जो है थन बाट का इसका जो देखिए बहुत अच्छा नजरिया है, बढ़ाइए उधर घुमा दीजिए, छोटे पैर की है। कीमत इसकी 46,000 रुपये। 46,000 रुपये। और जो ऑर्डर है देख सकते हैं, ये देखें पूरा आगे से पीछे तक बढ़िया, तो टाइम आने पे तो बढ़िया बढ़ जाएगी, बहुत अच्छा बनेगी। इसके आगे ये भी? हाँ इसके आगे ये भी अच्छी गाय है। ये गाय तो लगभग 14 लीटर दूध दी है। 14 लीटर हमारी जानकारी की गाय है जी, ब्रोकर जो गाय उपलब्ध कराते हैं उन्हीं के पड़ोस की गाय है, ठीक है। तो ब्यात में गाय अभी तीसरी बार बच्चा देगी, बहुत अच्छा बन रही है ऑर्डर, गाय का कद काठी, ऑर्डर नस्ल, छोटा समूह है बिल्कुल, और भारी भरकम गाय है, बहुत ज़्यादा हाइट तो नहीं होती है इसमें जर्सी में, लेकिन नीचे से काफ़ी चौड़ी होती हैं। इनका थनों का साइज भी काफी बढ़िया है, थन देखें सभी गायों के, मिल्क वेन देखिए इनका कितना जोरदार है बिल्कुल, ये देखें, और ऑर्डर में भी जो है सारी जो है बढ़िया सभी नशे हैं। तो कीमत इसकी क्या रहेगी? इसकी भी कीमत 46,000 रुपये। 46,000 रुपये जी। तो दो हो गई है 46-46 और 42 की, वो 42,000 रुपये की, तीनों जो है अच्छी जर्सी गाय है, ये देखें। और इसके आगे ये आगे ये जो है साहिवाल में है, ये कौन से ब्यात में? ये इस बार दूसरी बार बच्चा करेगी, 6 दांत में है बछिया, बहुत ही शांत बछिया है। तो अभी कितना टाइम ले जाएगी ये बच्चा करने में? 10 दिन का समय लेगी अभी, 10 दिन आगे जी। बहुत अच्छा बछिया बन रही है, बछिया का नाभि, गलकम्बल, हम्प, और सबसे बड़ी बात की बछिया की सिधाई बहुत ज़्यादा है, देसी नस्ल में बहुत कम ये सिधाई आपको जो देखने को मिलेगी। तो कीमत क्या रहेगी इसकी? कीमत इसकी मात्र जो है 38,500 रुपये, 38,500 जैसा कि मैंने बताया था कि 40 के अंदर तो जो है तो सबसे कम दाम की यही गाय है, पीने के लिए सबसे बढ़िया गाय, सबसे अच्छी गाय है। 10 लीटर दे देगी अनुमान? 10 लीटर आराम से दूध दे देगी जी, और बढ़िया देसी गाय प्योर देख सकते हैं, बेहतरीन है। थनों का गैप देखिए, थनों की सफाई बहुत अच्छी ऑर्डर की बछिया है। इसके आगे ये गाय
ये जो है साहिवाल में है। और ब्यात में, ये भी ब्यात में दूसरा है इस बार, दूसरा ब्यात, दूसरे ब्यात की है। और सबसे बड़ी बात देखिए जो है कि सभी गायों का रास आज जो है लगभग लगभग सभी एक रास की गाय हैं। जैसा कि अभी पिछले सप्ताह जो है इतनी ज़्यादा संख्या में गाय नहीं मिल पाई थी, काफ़ी जो है मौसम ठंडा होने की वजह से इसमें महंगाई बढ़ी है, लेकिन फिर भी हमने जो है बहुत ही सस्ते दामों में जो है गाय जो है किसान पशुपालक भाइयों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये ब्यात में दूसरा बताएं, ये दूसरी है। ठीक है, तो अभी कितना टाइम लेगी ये बच्चा करने में? लगभग जो है 12-15 दिन का समय ले लेगी। 12 दिन जी। ये भी साफ है, बढ़िया नीचे अच्छी है, छोटे पैर की है, खनवाट की दूरी, सफाई अच्छी है, कद काठी आर्डर अच्छा सा बन रहा है, बॉडी से भी अच्छी है। तो कीमत में क्या रहेगी ये? कीमत में ये भी जो है 45,000 रुपये में उपलब्ध करा रहे हैं। 45,000 में। और दूध अनुमान? लगभग दूध अनुमान जो है 10 प्लस करेगी, 10 के आसपास जी, 10 प्लस करेगी ये। इसके आगे ये बछड़ी थोड़ा क्रॉस, ये बछिया जो है क्रॉस में है थोड़ा, लेकिन बहुत ही सुंदर बछड़ी है, दो दांत की बछड़ी है मात्र। दो दांत है जी? दो दांत। तो अभी कितना टाइम लेगी ये बच्चा करने में? ये भी 15 दिन का समय पूरा ले लेगी अभी, लेकिन अभी बछड़ी पिछले 2 दिन पहले आई है, खुली नहीं थी, अब अच्छा खुल रही है बछड़ी, तो बढ़िया रही है, तल्ले की चौड़ाई आगे से आर्डर अच्छा बन रहा है। बछिया बहुत ही सुंदर है, बहुत ही साफ बछिया है बिल्कुल। एक हम की कमी, अगर हम होता तो की कमी है, लेकिन क्रॉस में है और हमारे पशुपालक भाइयों को ऐसी बछियों की मांग रहती है। तो दूध ये क्या अनुमान रहेगा इसका? दूध करेगी ये 12 लीटर। 12 लीटर, 12 लीटर दूध आराम से करेगी। और कीमत इसकी? कीमत इसकी जो है 45,000 रुपये। 45,000। तो दूसरे ब्यात में और बढ़िया, बहुत अच्छा बनेगी, बढ़िया बछड़ी दूसरे तीसरे, बहुत ही सुंदर बछड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो है गायों की सिधाई सफाई तो है ही है, रास भी एक है, और रेट का जो है बहुत बड़ा जो है हमने एक मैसेज दिया है अपने पशुपालक भाइयों को इधर, तो अपने फार्म पे छोटे रेट की गाय, बड़े रेट की गाय, छोटी गाय, बड़ी गाय, ये एक चीज़ हम अपने मुँह से कहें या पशुपालक भाई खुदे जो हमारे जो वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं हमारे फार्म से, कि देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा गाय आज उत्तर प्रदेश में अपने फार्म पे हम उपलब्ध करा रहे हैं। और आगे से सभी का अगर सहयोग आशीर्वाद रहा, सभी का सहयोग मिलता रहा, तो हम इससे भी बड़े लॉट अपने फार्म पे उपलब्ध कराते रहेंगे। तो ये गाय आगे, ये साहिवाल में है, हल्का सा हम्प डाउन है, लेकिन नस्ल से जो है पीछे से बहुत अच्छी है, ब्रीडिंग के लिए बढ़िया, ब्रीडिंग के लिए अच्छी गाय है, और दूध भी करेगी आराम से, 10 लीटर दूध से कम नहीं करेगी। अभी कितना टाइम ले जाएगी? अभी ये 10 दिन का समय ले लेगी, अभी 10 दिन आगे जी। बछिया का जो है थन और अडर नाभि गलकम्बल बहुत बेहतरीन बछिया है, थोड़ा थोड़ा सींग है बिल्कुल, लेकिन मतलब एकदम शांत है, जम रहा है सींग, जम रहा है सींग जो है, अच्छी तो लग रही है। क्या रही है कीमत में? 45,000 रुपये। 45,000 रुपये। और दूध का अनुमान लगभग 10 लीटर? 10 लीटर आराम से करेगी, देसी नस्लों की क्षमता ही 10-12 लीटर होती है, तो संसार जो है अच्छा ऑर्डर बना रही है बिल्कुल। और ब्यात में? ब्यात में दूसरा है, दूसरा ब्यात है। और जो थन है देखें, सभी काफ़ी बढ़िया चारों थन। तो इधर अनुमान 50 के नीचे ही वाली? हाँ, सभी 50 के नीचे ही रही अभी तक, जो जितनी भी हमने दिखाई हैं जी, एक दो गायों को छोड़कर बिल्कुल, तीन गायों को छोड़कर नहीं, इधर की जो ये इधर की लॉट पूरा 50 के नीचे ही रहा है, और लगभग लगभग पूरा ही लॉट इधर वाला पूरा 50 के नीचे ही रहेगा। ये गाय आगे, ये अभी जो है लगभग 20 दिन का समय ले लेगी बच्चा करने में। हाँ, क्रॉस में है लेकिन थोड़ा भारी गाय है। तो ब्यात में कौन सी? ब्यात में इस बार जो है तीसरा है, तीसरा ब्यात जी। और अभी कितना टाइम लेगी ये बच्चा करने में? लगभग 15 दिन का समय ले लेगी। 15 दिन आगे जी। और जो थन है ये देखिए, अच्छा थन बन रहा है, दूर से बन रहा है अच्छा। तो दूध ये कितना कर देगी? 14 लीटर दूध करेगी। 14 लीटर आराम से दूध में बढ़िया रहेगी, दूध में बेहतरीन रहेगी। गाय बड़ी है ना, गाय का कद देखिए जो है एक प्रकार से, गाय की लंबाई अच्छी है, गाय का कद अच्छा है, ये देखिए जो सभी गायों से बड़ी है। तो कीमत इसकी क्या रहेगी? कीमत इसकी जो है 48,500। 48,500 जी। ठीक है, ये देखें जब बन के आएगी तो बढ़िया, बहुत अच्छी बनेगी, बड़ी गाय है जी। तो आज तो बढ़िया सब में अधिकतर, आगे से पीछे तक बढ़िया गाय जो है, शांत से, थन बाट से, कोई बहुत छोटा थन नहीं है किसी में, बिल्कुल आगे आगे। और गायों का साइज रेट हमें नहीं लगता जो है कि हमारे इधर जो किसान नज़दीकी किसान हैं उनको कहीं दूसरी तरह बाहर जाने की ज़रूरत है। यूपी में अधिकतर हमारे क्षेत्र के तो जितने भी सटे हुए ज़िले हैं,
सभी को हम गाय उपलब्ध करा रहे हैं। बाकी अन्य प्रदेशों से भी काफ़ी संख्या में जो है हमारी गाय जो है वहाँ पे जा रही हैं। ये अगली गाय तो ये थोड़ी उससे भी बड़ी कह सकते हैं। हाँ ये भी तो अच्छी गाय दूध अच्छा करेगी, 13-14 लीटर दूध करेगी। जर्सी में है जी, और ब्यात में तीसरा है, तीसरा ब्यात जी। और कितना टाइम लगे भी है? 10 दिन में बच्चा कर देगी। 10 दिन जी, 10 दिन में बच्चा कर देगी। गाय का साइज हाइट अच्छा है और चमक की गाय है। सबसे बड़ी बात है कि कोई जो है बड़े रुएं की गाय नहीं है और ये अच्छा आर्डर बन रहा है। बिल्कुल, थन भी अच्छा है साइज का। और कीमत में क्या रहेगी ये? कीमत में 45,000 45,000 में आराम से जो है 14-15 लीटर दूध करेगी। दूध बेचने के हिसाब की बढ़िया गाय? हाँ, दूध बेचने के लिए जितनी भी गाय है बिल्कुल कोई भी अपने घरेलू उत्पाद के लिए भी ले जा सकता है, डेयरी फार्म के लिए भी ले जा सकता है। तो मतलब घर पीने से लेकर डेयरी फार्म तक जो है आराम से जो है बेहतर है। बाकी मंगलवार को तो काफ़ी भारी संख्या में बड़ी गाय अपने पास रहती हैं, तो इनसे भी बड़ी देखने को मिलेगी। हाँ, काफ़ी बड़ी गाय रहेंगी। आप इस बार कोशिश करेंगे कि जो है किसी दिन जल्द जो है आपको मंगलवार को, क्योंकि मंगलवार को रात को ज़्यादातर गाय सेल हो जाती हैं और बहुत कम अपने पशुपालक भाई को देखने को मिलती हैं। अच्छी गायों का वीडियो तो शायद हम वीडियो के माध्यम से दिखाई नहीं पाते हैं, वो तो सेल होते होते जो लोड होती हैं वही दिखाई जाती हैं। जैसे अभी एक सेल हो गई, ये बच्चिया अभी लद के गई है सेल होके, और मात्र जो है हमने 62,000 रुपये में उस बच्चे को उपलब्ध कराया। और ब्यात में वो दो दांत की बच्चिया, पहली बार कल ही बच्चा दिया, बछड़ी को जन्म दिया उसने, और दूध करेगी वो 17-18 लीटर दूध करेगी। हमारे लखनऊ तेलीबाग गई है तो पहले ब्यात में तो 18 लीटर बढ़िया हो गया। हाँ, अच्छी बछिया है, क्योंकि अभी कल शाम को जो हमने उसका मिल्किंग करवाया तो 8 लीटर टाइम पे निकला। अभी जो है कल सुबह बच्चा की, और कल सुबह भी मैंने पूरा खाली करवा दिया था दूध उसको, और शाम को खाली करवाया, अभी फिर जो है वो एकदम ऑर्डर बनाए खड़ी हुई। तो इस तरह के कोई डेयरी फार्म के लिए लेना चाहे बढ़िया? हाँ, तो बड़ी ज़्यादा बड़ी गाय चाहते हैं तो मंगलवार को आइए, वरना जो है हमें हमारे कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से संपर्क करके हमारे पशुपालक भाई हमारे फार्म पर आ सकते हैं। तो लास्ट में एक रहेगी गाय जी, ये तो सबसे बड़ी दिख रही है। हाँ, अच्छी गाय है, 18-20 लीटर दूध इसने पिछली बार दिया है। अच्छा, 18-20 लीटर दूध दिया है, और ये सेल हो चुकी है, बिक गई है। हाँ, ये बिक गई है, बिहार जाएगी पूर्णिया। ठीक है, इनको जो है 5 गाय जो है अभी पिछले लॉट में मैंने दिया था ना 50 के रेट से, वही ले जा रहे हैं। तो उन्होंने इस बार मांग किया कि हमें इस बार जो है 18-20 किलो की गाय चाहिए, और काली नहीं चाहिए, लाल कलर में या पीली कलर में ही चाहिए। तो इसीलिए जो है उनकी हम 5 गाय जो है उपलब्ध करा के उनको आराम से हम भिजवा देंगे, 5 गाय। तो उसमें से ये गाय भी जो है उन्होंने पसंद की है। ठीक है, तो ब्यात में कौन से होगी? ब्यात में तीसरी बार इस बार बच्चा देगी। तीसरी बार जी, अच्छी गाय है, काफ़ी भारी है, देख सकते हैं हाइट से, तो सीधी भी है, एकदम शांत है। बिल्कुल, थनों का साइज काफ़ी बढ़िया है, ये देखें, लंबी भी है काफ़ी और हाइट भी है। बिल्कुल, तो ऐसी ही 5 गाय हमको जो है 2 दिन के अंदर उनको उपलब्ध करा के भेजना है। अगर जो इमरजेंसी में भी कोई हमारे पास ऐसा पशुपालक भाई आ जाता है तो हम उसको जो है, अगर जो हमारे पास गाय बाई चांस ना भी हुई तभी हम उसको गाय मंगवा के उपलब्ध करवाते हैं। 1 से 2 दिन का समय अगर जो कोई दे देता है तो बड़े लॉट भी अगर चाहता है तो उसको हम भारी से भारी गाय उसको आसानी से, मतलब मंगलवार के दिन से हट के कोई, हाँ मंगलवार के दिन अगर जो हट के भी किसी दिन आ जाता है तभी हम उसको गाय उपलब्ध करा देंगे। साहिवाल की मांग करता है या क्रॉस ब्रीड की तो उसको हम आराम से छोटी गाड़ियों से मंगा के गाय दे देते हैं। तो मैट भी? हाँ, मैट भी अपने पास उपलब्ध है, अच्छी मैट है, 8x5 इसका साइज है। और दूसरी चीज़, मैट को कहीं भी डाल दीजिए, भैंस बांधी है, हम तो घोड़े भी रखते हैं मैट पे नाल लगा के, और मैट का साइज और मैट की मजबूती अच्छी है। तो गायों के लिए जिनके कच्चा ना हो, हाँ जैसे अभी क्या है कि बारिश का महीना है, बहुत सारे हमारे पशुपालक भाई जो है पक्का करवा दिए हैं अपना शेड नीचे, तो उस पर जो है नीचे मैट डाल के बेहतरीन गायों के लिए रहता है, कीचड़ नहीं होता है। अधिकतर बारिश में मैट की ज़रूरत पड़ती है थन को सेफ करने के लिए। तो कॉन्टैक्ट नंबर एक बार? कॉन्टैक्ट नंबर हमारा 91-98-13-15-13। दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 99-84-74-13-48। और तीसरा और एक कॉन्टैक्ट नंबर है 83-54-95-83-45। इन 3 कॉन्टैक्ट नंबर के माध्यम से हमारे पशुपालक भाई हमारे फार्म को विजिट कर सकते हैं और आकर देखकर अच्छी गाय ले जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अपने पास किसी दलाल, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे कोई दलाल नहीं होगा, जो चीज़ें डायरेक्ट हम ही से बात होगी, जो भी जानकारियाँ पशुओं के बारे में, रहन सहन, इनका देख रेख, जैसी भी जो जानकारी होगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे।
और आपसे संपर्क करके जो भी राय मशवरा है वो बराबर आपको जो है जानकारी मिलती रहेगी। तो कोशिश करते हैं कि जो है आपके हाँ ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी बेहतरीन है। ट्रांसपोर्ट में अपने पास जो है छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बड़ी गाड़ियाँ भी हैं, जैसा कहेंगे। आपको क्या रहता है इनका? काफ़ी लोग बड़ी जो ये पिकअप है इनका जो है 15 रुपये किलोमीटर प्लस टोल, अन्य जो खर्चे आ जाते होंगे। वैसे तो अपने यूपी में कोई खर्चा नहीं है। और छोटा हाथी जो होता है उसका 12 रुपये किलोमीटर प्लस टोल, मतलब फिक्स है कोई ये हाँ, नहीं, इसमें कोई कम ज़्यादा नहीं, इसमें हमारे किसान को भी दिक्कत नहीं होती ले तो जाने काफी में। काफ़ी टाइम से हमको लग रहा है यही चल रहा है। हाँ यही चल रहा है, हमें लगता है जो है 5 साल से तो यही रेट चल रहा है। बाकी तो कब मांग करते हैं, लेकिन हमने इससे ऐसा कुछ नहीं, और व्यवस्थाएँ अपने पास होंगी। गाड़ियों को जो है ढक दिया जाता है आराम से पुआल डलवा के, वो जब तक मौसम है तो हाँ पशु को किसान के घर तक सुरक्षित पहुँचाने की हमारी जिम्मेवारी रहती है। तो उसमें जो खर्च लगता है ट्रांसपोर्ट का वो किसान को बे करना पड़ता है। बाकी बड़ी गाड़ियाँ भी जो है हम आसानी से उपलब्ध करा देते हैं। बड़ी गाड़ी भी जो है उसके लिए भी ज़्यादा बड़े लॉट ले जाना चाहते हैं तो उसको भी जो है उचित रेट में हम उपलब्ध करा देते हैं। तो एक बार एड्रेस भी यहाँ का पूरा। एड्रेस अपना जो है ये लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक ब्लॉक पड़ता है गोसाईगंज। गोसाईगंज ब्लॉक से मात्र जो है 300 मीटर की दूरी पर यहीं पर ब्लॉक है। मेन रोड ये है अपना, और मेन रोड पर ये सुल्तानपुर और गोसाईगंज रोड का जो है किनारा है। गोसाईगंज ब्लॉक है और सुल्तानपुर रोड के किनारे। तो जैसे कोई पर्सनल गाड़ी से ना आना चाहे रोड ट्रांसपोर्ट से तो अगर जो आता है तो फिर लखनऊ आता है। लखनऊ जंक्शन पे उतर कर वहाँ से जो है गोसाईगंज के लिए टैक्सी या बस मिल जाता है यहाँ तक। हाँ आराम से, यहीं पे सामने सुल्तानपुर रोड है 300 मीटर पे, वहीं पे पुलिस चौकी भी है, वहीं पे आके और किसी से पूछ ले हमें यादव डेयरी फार्म जाना, 300 मीटर तो पैदल आ सकता है। बिल्कुल चहल पहल का इलाका है, हमको लग रहा पूरा कोई 24 घंटे किसी भी समय आ जाए। रुकने की भी व्यवस्था अपने पास है, यहाँ पे बने हुए कोई रुकने की भी व्यवस्था भी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो किसान को ऐसी कोई समस्या हो। कोशिश करते हैं कि हम जो है इससे भी बेहतरीन जो सुविधाएँ दे पाएँ अपने पशुपालक भाइयों को। अच्छी से अच्छी गाय, कहीं नहीं जाना है आपको। गिर के लिए राजस्थान जाने की ज़रूरत नहीं है, साहिवाल के लिए कहीं राजस्थान जाने की नहीं ज़रूरत है। आप देखे भी होंगे बहुत सारे हमारे संपर्क में ऐसे फार्म आए जिन्होंने गंगानगर और राजस्थान के कई किनारों से गाय लाए, और आज जो परेशान हैं हम उन फार्मों को जो है अच्छी से अच्छी गाय उपलब्ध करा रहे हैं और आज वो संतुष्ट भी हैं। ऐसे कई फार्म हैं जैसे जिनको जो है इस महीने में मैंने कई गाय दी और वो राजस्थान से फार्म ला के फेल हो चुके थे। मैंने यूपी से अपने पास से फार्म गाय जो है उपलब्ध करा के उनको पुनः जो है उनके फार्म को आगे बढ़ाने का काम किया है। जहाँ का जो है लोकल ही लेना। हाँ देखिए क्या होता है कि अगर जो उनको कोई समस्याएं आती हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरी चीज़, राजस्थान में आप इतनी दूर बैठे व्यापारियों से क्या उनसे जो है कह सकते हैं क्या उनसे। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेज चल रहा है जी। तो उस पर जो है हमारे पशुपालक भाई बचे उसमें भी जो है कम रेट देकर पैसा ना लगाएं। आपको अगर जाना है लेना है तो हमें इस चीज़ की कोई वो नहीं है, आप जाइए लेकिन देख कर जो है वहाँ से गाय खरीदारी करिए। तो आज तो बढ़िया जी, अच्छी गाय रही है। और हमारे उम्मीद है कि दर्शक भाई जो वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में बताइएगा, कमेंट के माध्यम से जो भी हमें हम उनके छोटे भाई हैं और छोटे भाई के मुंह से अगर जो ऐसी कुछ बात निकली हो जो उन्हें अच्छी ना लगी हो उसके लिए हम क्षमा चाहते तो हैं। अगर कोई जानकारी चाहता तो कमेंट करें। बिल्कुल जो है जहाँ तक जो जानकारियाँ हमें हैं प्राप्त हैं हम उनको जो है आप तक शेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 99-84-74-43, 83-54-95-83-45। और तीसरा नंबर है 91-98-13-15-13। अगर जो कोई यहाँ पे कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो उसके बारे में भी जो है कह सकते हैं। लेकिन इस समय थोड़ा रेट का काफ़ी ज़्यादा जो है इशू है, रेट बढ़ा हुआ है क्योंकि काफ़ी दिनों से गर्मी रही और जैसे ही मौसम खुला वैसे ही महाराष्ट्र और राजस्थान MP यहाँ के व्यापारियों ने काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है गायों को खरीदारी शुरू कर दी है। लगभग हर प्रदेश में किसानों की मांग है। जब लोग यहाँ आ रहे हैं तो यहाँ वालों को बाहर क्यों जाना है? हाँ अगर जो उत्तर प्रदेश में ही अपने अच्छी गाय उपलब्ध हो जाएं तो लोगों को हमें नहीं लगता बाहर जाने की ज़रूरत है। तो मतलब अब लोग ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं अपने? हाँ अपने भी वहाँ अच्छी जो है गाय निकल रही हैं। यूपी में भी जो है अपने यूपी में या यूपी से सटे बॉर्डर प्रदेशों में अच्छी गाय जो है निकल रही हैं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अच्छी गाय अपने पास आराम से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ठीक है, इतनी बढ़िया जानकारी और इतनी बढ़िया गाय दिखाने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है दोस्तों, बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो गया हमेशा की तरह जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया गाय आपको आज भी वीडियो में देखने को मिली होंगी। तो जल्द मिलेंगे हम आप लोग को नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।